हाय हेलो नमस्ते सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिस्केटेड दिस इज प्रदीप एंड आज का वीडियो में हम मार्केट डांस कर रहे हैं निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट वो भी तीन टाइम फ्रेम में वीकली टाइम फ्रेम वन डे टाइम फ्रेम एंड फिफ्टी मिनट टाइम फ्रेम एंड बिफोर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया जाए हरी डी लेकिन आपको नया वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा और लाइक एंड शेयर की जाए लेट स्टार्टार्ट टू वीडियो एंड आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी फिफ्टी वीकली चार्ट ओपन किया अभी वीकली चार्ट में बहुत मार्केट एक बुलिश है एंड मार्केट uh, में एक प्राइस हो रहा है मार्केट में एंड एग्जैक्टली exactly मैंने एक तीन तीन ऑलमोस्ट क्या पास पाँच वीक से मैंने ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीकली में एंड ये रेजिजेंस लेवल एक ब्रेकआउट होने के बाद उसके ऊपर सपोर्ट करके जैसे ही मार्केट अभी देखिए ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था मार्केट एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया था एंड एग्जैक्टली exactly, ये भी एक टेन uh, नीएम के ऊपर एक सपोर्ट आता है एग्जैक्टली ओके एंड इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लेके अभी ऊपर गया एंड वीकली में तो एक स्ट्रांग बुलिश है मार्केट एंड डिप में uh, कितना लोगों ने बाइंग किया है ना आप होल्डिंग करके जा सकते हैं अप टू ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक भी जा सकते हैं मार्केट डिप सपोज ट्वेंटी थाउजेंड ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया था एंड ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड भी इस महीने या नेक्स्ट वीक नेक्स्ट महीने भी हम रीच कर सकते मगर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एक टारगेट है एंड ट्वेंटी थाउजेंड का एक मेन इंपॉर्टेंट रेजेंस जोन है एंड वो जैसे ही ब्रेक करेगा हमको ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड का डोर ओपन हो जाएगा एंड अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक ये टारगेट रहेगा माइट भी ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर थोड़े दिन तक मार्केट एक साइड वेस्ट कर सकते हैं मगर मार्केट में एक बुलिश बुलिशंस तो है ओके okay, क्योंकि मार्केट कभी भी एक मूवमेंट करने के बाद अपर लेवल पे एक थोड़ा बहुत पॉज लेगा बाद में एक मूवमेंट देगा माइट भी आपको एक ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर एक रेड कैंडल भी देखने के लिए मिलेगा मगर वो रेड कैंडल माइट भी डोजी कैंडल भी बन सकते ओके माइट भी लाइक दिस ओके एंड ऐसा एक कैंडल देखने के लिए भी मिल सकते है ट्वेंटी थाउजेंड के ऊपर एक रेड कैंडल मगर उसके ऊपर एक और एक ग्रीन कैंडल बन सकते हैं या ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक भी टारगेट रह सकते हैं ओके एंड एक नीचे कितना लोग बाय करके रखे हैं ना वो लोग होल्ड करके जा सकते हैं मार्केट में विथ स्टॉप लॉस ओके द, आ, वीकली में तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है मार्केट आप डिप में बाइंग करके जा सकते हैं मार्केट में एंड अभी हम डेली टेम्परेज में देखेंगे डेली टेम्परेज में मार्केट कैसा मूवमेंट मोवमेंट देख रहे हैं ओके एंड डेली टाइम फ्रेम ओपन किया अभी डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं एक्जैक्टली मार्केट एक पॉज लेके एक स्ट्रांग मूवमेंट करने के बाद एक पॉज लेके मार्केट एक मूवमेंट किया अपर लेवल पे एंड प्रीवियस स्विंग था सभी ब्रेक करके मार्केट उसके ऊपर सेशन किया एंड एक्जैक्टली ट्वेंटी नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड का एक स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस था उसके ऊपर मार्केट अभी एक क्लोजिंग ले एंड ओपनिंग भी उसके आसपास में हुआ था एंड बाद में क्लोजिंग भी उसके ऊपर हुआ है मतलब ऑलमोस्ट एक मार्केट बुलिश स्टैंड है एंड मार्केट बहुत दिन तक ट्वेंटी उजेंड सॉरी नाइनटीन के ऊपर एक सपोर्ट कर रहा था कंटिन्यूसली लोअर लो बनाते आ रहा था मगर 19,250 एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन बन चुका है एंड इसके ऊपर कब तक मार्केट है तब तक मार्केट टिक टक एक बुलिश है एंड कहीं भी आपको डिप मिलता है ना उधर बाइंग करके जाइए क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रांग मूवमेंट कर रहे है मार्केट एंड एक कहीं भी रुकने वाला नहीं अप टू ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड ये सब मार्केट में रीच कर सकते हैं मगर प्रीवियस का एक हाई है ना 20,000 ये लेवल टूटना चाहिए ओके ए लेवल टूटने के लिए थोड़ा बहुत मार्केट एक स्ट्रगल कर सकते हैं मार्केट क्योंकि ये नीचे लेवल पे एक सपोर्ट जोन है नाइनटीन थाउजेंड सिक्स फिफ्टी या सेवन हंड्रेड का एक जोन आते हैं एंड ए लेवल एक सपोर्ट रहेगा एंड उसके वा, 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 इसको छोड़ के नाइनटीन एक नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा मतलब डेली टीम फ्रेम बता रहा हूँ मैं आपको एंड रेजेंस है ट्वेंटी का ओके एंड ट्वेंटी जैसे ही रेस्पेक्ट करेगा मार्केट उधर से रिजेक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट रेस्पेक्ट है ओके ट्वेंटी का ही फर्स्ट रेस्पेक्ट है उसके बाद में आ, और कौन सा भी ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी टेस्ट नहीं हुआ था मगर इस बार मार्केट सेकेंड टाइम ये ट्वेंटी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब ये सेकेंड टाइम बन गए मतलब मार्केट डायरेक्टली एक नहीं तोड़ेगा मार्केट ट्वेंटी थाउजेंड को प्रीवियस हाई को तो वैसे ही नहीं तोड़ता नहीं हूँ एंड uh, थोड़ा बहुत है स्ट्रगल करेगा ट्वेंटी थाउजेंड के आसपास में माइट भी मेरे को लगता है ट्वेंटी थाउजेंड रेस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा बहुत रिजेक्शन कर सकते हैं रिजेक्शन करके माइट भी प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल आता है 19,800 थाउजेंड एट हंड्रेड या 19,750 थाउजेंड सेवन फिफ्टी ये सपोर्ट्स आते हैं माइट भी इधर सपोर्ट करके फिर से मार्केट ट्वेंटी थाउजेंड को ब्रेक कर सकते हैं एंड आपको एक चांस मिलेगा फिर से नाइन्टी थाउजेंड एट हंड्रेड थाउजेंड सेवन हंड्रेड आसपास में बाइंग करने के लिए एंड आप बाइंग करके एंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी हैं मार्केट। ओके, एंड आप वेट करना पड़ेगा एंड कहीं भी डिप मिलता है ना निफ्टी में बैंक निफ्टी में उधर बाइंग करके जाइए मगर अभी डेली फ्रेम में तो एक स्ट्रांग मार्केट बोलिश है एंड आपको डिप में बाइंग करके जा सकते हैं मार्केट में ओके okay, अभी हम पंद्रह मिनट में देखेंगे पंद्रह मिनट में मार्केट कहाँ uh, कहाँ एक सपोर्ट ले रहे हैं एंड हम इंटर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं मंडे ओके एंड किस लेवल पे हम बाइंग करना चाहिए हम वो सब देखेंगे एंड अभी uh, देख सकते हैं exactly एग्जैक्टली आपके सामने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया एंड 15 मिनट चार्ट में एक स्ट्रांग सपोर्ट्स तो है ओके okay, बहुत एक स्ट्रांग सपोर्ट्स है एंड uh, उसके ऊपर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने का कोशिश कर सकते हैं एंड अभी देख सकते हैं मार्केट एक प्रीवियस हाई किया था नाइनटीन ओके प्रीवियस हाई है मगर अभी सपोर्ट्स है ना ये एक्जेक्टली exactly एक सपोर्ट्स अभी अभी प्रीवियस का एक हाई था उसको रेस्पेक्ट करके मार्केट एक रिजेक्शन फेस कर रहा है ए वाला है हाई है ओके okay, अभी मार्केट ए हाई को रेस्पेक्ट किया है एग्जैक्टली exactly एक्जैक्टली नाइनटी एट थाउजेंड एट सिक्सटी फाइव एंड अभी ये फर्स्ट रेजेंस हुआ एंड सेकंड रेजेंस होता है ये प्रीवियस हाई ओके प्रीवियस हाई है नाइनटीन ओके एंड एट का ये जोन ये जोन एक सेकंड सपोर्ट है एंड उसके बाद में थर्ड सपोर्ट exactly आता है ओके एंड थर्ड सपोर्ट आता है ये वाला एक्जैक्टली आता है नाइनटीन ओके ये लेवल आता है नेक्स्ट सपोर्ट एंड ए बी ए छूट गए तो एंड नेक्स्ट आता है ए वाला नाइनटीन ओके ये सब एक दो तीन सपोर्ट लेवल्स आते हैं एंड uh, एक रेजिजेंस लेवल आता है ओके okay, एंड इसमें एक रेजिजेंस लेवल पे और एक रेजिनेस आता है ट्वेंटी थाउजेंड का ओके ट्वेंटी थाउजेंड का डायरेक्ट इधर आता है ओके एंड ट्वेंटी थाउजेंड ए वाला नाइनटीन थाउजेंड नाइन नाइन एटी नाइन ऑलमोस्ट ट्वेंटी थाउजेंड राउंड फिगर ओके ये लेवल नेक्स्ट लेवल होता है एंड जैसे नाइन्टी थाउजेंड एट सिक्सटी फाइव ब्रक करने के बाद ये ट्वेंटी थाउजेंड तक मार्केट मूवमेंट कर सकते हैं ओके एंड यहाँ तक भी एक मार्केट मूवमेंट कर सकते हैं मगर ये डिप में आप बाइंग करना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट इधर स्ट्रगल कर सकते हैं ट्वेंटी थाउजेंड रीच करने के लिए एंड इफ़ सपोज एक गैप अप में ओपन हुआ तो वेट कीजिए एक लोअर लेवल को रेस्पेक्ट करने के लिए जैसे ये लोअर लेवल को रेस्पेक्ट करेगा मार्केट में एक से बाइंग हो बाइंग होता है एंड ट्वेंटी थाउजेंड तक आपका टारगेट रह सकता है इफ़ सपोज एक बड़ा गैप गैप अप में ओपन हुआ तो वेट कीजिए ट्वेंटी थाउजेंड को रेस्पेक्ट करके रिजेक्शन होने का इफ़ सपोज ट्वेंटी थाउजेंड को रेस्पेक्ट करके ट्वेंटी थाउजेंड से रिजेक्शन हुआ तो हम एक सेलिंग कर सकते हैं मार्केट में एंड हमारा इधर इधर एग्जैक्टली इधर एक गैपअप में ओपन हुआ था हम एक रेस्पेक्ट करने का कोशिश कर सकते हैं ट्वेंटी थाउजेंड को रेस्पेक्ट करेगा ना उधर से जैसे ही रेस्पेक्ट करेगा सेलिंग हो सकते हैं एंड इधर एक प्रॉफिट बुकिंग भी मिल देखने के लिए मिल सकते हैं एंड फिर से हमको नाइन्टी थाउजेंड एट सिक्सटी फाइव तक मार्केट uh, आएगा एंड फिर से इधर एक सपोर्ट लेके फिर से मार्केट एक ऊपर ले जा सकते हैं या इन बिटवीन मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट भी बना सकते हैं ओके ए रहता है एंड इफ सपोज मार्केट एक गैप डाउन में ओपन हुआ तो एंड आपके सामने रहेगा नाइनटी था uh, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जैसे ही मार्केट इसके ऊपर रेस्पेक्ट करेगा मार्केट में इधर एक बाइंग हो सकता है मार्केट में एंड इधर एक बाइंग करके जाएंगे और इसके नीचे हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड हमारा टारगेट रहेगा नाइनटी थाउजेंड सेवन नाइनटी फर्स्ट टारगेट रहेगा तो हम फोर्थ टारगेट के लिए टारगेट रख सकते मगर जैसे जैसे ब्रेक करते जाएगा ना उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस भी वैसे ही ट्रेल होते जाना चाहिए तब भी आपको एक प्रॉफिट मिलने का चांसेस रहता नहीं तो अभी उधर से रिवर्स हुआ तो आपका आ, करेंट प्राइस से ब्रेक होकर आपका स्टॉप लॉस हुआ तो फिर आप लॉस में चला जाएगा मतलब प्रॉफिट को लॉस में आप लेके जा सकते हैं इसकी वजह से आपको स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाना पड़ेगा मार्केट में ओके लेवल से रहते हैं निफ्टी 50 में अभी हम बैंक निफ्टी में देखेंगे बैंक निफ्टी में मार्केट कैसा मूवमेंट कर रहे हैं ओके okay, ये वाला है बैंक निफ्टी वीकली चार्ट अभी वीकली चार्ट में भी इधर भी एक स्ट्रांग मूवमेंट है अपर टेंट है एंड बहुत दिन से मार्केट एक स्ट्रगल कर रहा था बैंक निफ्टी में एंड इधर भी देखिए एग्जैक्टली exactly तीन वीक से मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे सस्टेन uh, किया एंड सस्टेन uh, करके अभी मार्केट ऊपर लेवल पे मूवमेंट कर रहे एंड एक रेजेंस लेवल भी था मार्केट बार बार उसको रेस्पेक्ट करके मार्केट ब्रेकआउट uh, हुआ था ये देखिए फर्स्ट रेस्पेक्ट सेकेंड रेस्पेक्ट थर्ड रेस्पेक्ट ये रेस्पेक्ट करके मार्केट रिजेक्शन हुआ था एंड प्रीवियस सपोर्ट था एक सपोर्ट को मार्केट रेस्पेक्ट किया एंड रेस्पेक्ट करने के बाद माइट भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था क्योंकि प्रिय मगर ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी एक कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मार्केट प्रीवियस एक ऑलमोस्ट uh, एक स्विंग था ओके एक रेजेंस था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया इसकी वजह से मार्केट अभी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आता है ना वो भी एक सस्टेनेबल uh, नहीं ऑलमोस्ट उसको ब्रेक किया एंड उसके ऊपर क्लोजिंग लेने की वजह से मार्केट अपर लेवल पे मूवमेंट करेगा एंड 46,000 तक भी जा सकते हैं एंड 45,000 पे एक डिप मिलेगा uh, उधर तक भी एक फिर से हमको देखने के लिए मिलेगा उधर से uh, देखने के लिए uh, मिलता है ना उधर एक बाइंग पोजिशन बना सकते हैं अदरवाइज हम एक वेट uh, करेंगे

रेस्पेक्ट uh, करने का मार्केट एंड उधर हम एक बाइंग पोजिशन बना के जा सकते हैं मार्केट में ओके एंड इधर तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है अपर लेवल पे एक बुलिश है एंड आपका uh, uh, एक सेलिंग रहेगा इसके नीचे रहेगा ओके इफ सपोज आप वीकली में देख रहे तो एंड एक पोजिशन तो स्ट्रांग है ओके okay? मार्केट एक मूवमेंट करेगा अपर लेवल पे फिर से हमको ट्रेंड लाइन को एक ड्रॉ किया है ना इधर तक के देखने के लिए मिलता है ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई एंड वो भी आता है फोर्टी सिक्स थाउजेंड उधर तक भी जा सकते हैं मगर फोर्टी फाइव थाउजेंड के ऊपर सस्टेन करने कोशिश कर सकते हैं उसके ऊपर किया तो हम बाइंग पोर्सन बना के जा सकते हैं इफ के नीचे से मार्केट मूवमेंट करना स्टार्ट किया तो फोर्टी जोन रहेगा उधर तक भी मार्केट जा सकता है एंड डेली टेफ्रेम में भी सेम ही रहेगा एंड कुछ चेंजेस नहीं है इधर एक कैंडल एक, एक और दो कैंडल पे देखते इधर दस कैंडल पे आप देखते okay? इतना ही डिफरेंस है डेली डेफ्रेम में मगर इधर भी आपको पता चलता है एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल्स कैसा था मार्केट में एंड डेली फ्रेम में एक स्ट्रांग मूवमेंट था नीचे लेवल पे ए लेवल्स ओके ए लेवल एक स्ट्रांग मूवमेंट था मार्केट बहुत दिन से एक साइडवेज मार्केट में इसमें फंसा था ओके okay, अभी देखिए एग्जैक्टली बहुत दिन से ई जोन पे मार्केट सस्टेन सस्टेन करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया था ओके okay, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट एक पॉज लिया एक सपोर्ट किया सपोर्ट करने के बाद फिर से मार्केट हाई किया डबल टॉप बने बनाया डबल टॉप बना के फिर से मार्केट रिजेक्शन हुआ एंड स्मॉल पॉज लिया एंड प्रीवियस एक सपोर्ट था ओके okay, इसको ब्रेक किया मार्केट ने ओके एंड प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया ब्रेक करने के बाद फिर से मार्केट वही सेम सपोर्ट को आके रेस्पेक्ट किया किधर ब्रेक हुआ था एंड एग्जैक्टली uh, exactly उधर ब्रेक इधर उधर रेस्पेक्ट करने के बाद फिर से हाई के एंड प्रीवियस एक स्विंग था उसको एक सपोर्ट के रिज़ेंस uh, रिज़ेंस किया सॉरी करने के बाद फिर से मार्केट लो uh, किया एंड प्रीवियस एक स्विंग था उसको ब्रेक किया ब्रेक करने के बाद मार्केट uh, बहुत दिन तक इधर एक साइडवाइज uh, मार्केट बनाते गया मार्केट में एंड एग्जैक्टली exactly एक uh, ए भी एक बॉक्स के अंदर ही एंड बाद में एक ब्रेक आउट दिया था ओके एक्जैक्टली प्रीवियस एक सपोर्ट सॉरी रिजेंस था तीन बार एक्सपेक्ट किया था एंड तीन बार भी रिजेक्शन हुआ था एंड फोर्थ बार ये ब्रेकआउट दिया है एंड मार्केट एक मार्केट वापस इधर आके एक सपोर्ट कर करके फिर से मार्केट ऊपर जा सकते हैं या मार्केट कंटिन्यू भी कर सकते हैं ओके एंड मगर आपको ऊपर लेवल पे एक रीजेंस लेवल से ज़्यादा है ओके इसके वजह से मार्केट में एक थोड़ा बहुत एक स्ट्रगल कर करने का कर सकते हैं फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री फिफ्टी या फिर फोर हंड्रेड तक भी रीच हुआ एंड ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड का support and सर स है और बैक करने के लिए वो स्ट्रगल कर सकते हैं मार्केट इधर देखिए एक एक दिन तक मार्केट फोर्टी फाइव एंड फाइव हंड्रेड इन बिटवीन बहुत दिन तक मार्केट स्ट्रगल करके बाद में मार्केट ब्रेकऑर्ट दिया था इधर भी वही आ, ए, म, वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं एंड मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेजेंस है मैंने इधर एक टर्न लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टर्न लाइन हम आ, इसका एक रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई करेंगे फाइंड आउट करेंगे

ये देखिए एक ऊपर का रेजेंस लेवल एंड नीचे का सपोर्ट लेवल ओके अभी ये सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली ये दोनों को भी एक रेस्पेक्ट करना चाहिए एंड ऊपर लेवल पे एक रेजेंस को रेस्पेक्ट कर रहे ओके और थोड़ा बहुत मैंने पोल करता हूँ एंड इसको रेस्पेक्ट करेगा मार्केट ओके एंड ये देखे ओके okay, एग्जैक्टली exactly एक सपोर्ट लेवल को रेस्पेक्ट किया रेस्पेक्ट करने के बाद अभी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके मार्केट ऊपर गए एंड ऊपर करने के बाद ट्रेंड लाइन को ब्रक किया ओके एंड एक ट्रेंड लाइन आता है एग्जैक्टली exactly इसके ऊपर ओके okay? इसके ऊपर मार्केट अभी ब्रक करके मार्केट एक सस्टेन करने का कोशिश कर रहे ओके इफ सपोज मार्केट एक प्रीवियस हाई है ना ये प्रीवियस uh, मतलब का मतलब प्रीवियस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई है अभी करंट कैंडल का आप दिखाई दे रहे हैं ना वो उसका हाई ब्रक हुआ तो फिर हम फोर्टी सिक्स थाउजेंड तक भी जा सकते हैं मार्केट में मगर फोर्टी फाइव थाउजेंड थ्री एटी फोर हंड्रेड का एक इंपॉर्टेंट रेजेंस जोन है उसको ब्रेक करना जरूरी है इफ़ सपोज मार्केट डेली टाइम फ्रेम में एक इधर एक रेड कैंडल क्रिएट किया है, तो एक रेजिनेस लेवल है क्योंकि रेजिन्स लेवल है ओके रेजिनेस लेवल पे एक रेड कैंडल क्रिएट किया तो फिर से हम ए सपोर्ट जोन को फिर से आ सकते हैं ओके या इधर एक और एक सपोर्ट जोन है ये सपोर्ट आता है एग्जैक्टली वन सेकेंड सपोर्ट आता है फोर्टी फोर थाउजेंड थर्टी ओके ये सपोर्ट होता है एंड इधर तक मार्केट आके फिर से मार्केट एक रिवर्स ले सकते ओके okay, जैसे अभी देखिए मैंने इधर डिलीट कर देता हूँ ओके ये हमारा सपोर्ट रहेगा एंड अभी ये फोर्टी फोर थाउजेंड सेवन थर्टी सेवन एक सपोर्ट रहेगा मार्केट इधर तक आता है एंड फिर से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकते हैं ओके एंड ये क्योंकि एक रेजेंस लेवल पर रेस्पेक्ट कर रहे है ट्रेंड लाइन को ट्रेंड लाइन रेजेंस लेवल होने की वजह से थोड़ा बहुत एक स्ट्रगल कर सकते हैं मार्केट ब्रक्रो देने के लिए इसकी वजह से हम डेली टाइम फ्रेम में देखें गे और एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग लिया तो फिर हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं अप टू तो, 46000 46200 प्रीवियस ना उधर तक भी हम एक टारगेट लगा के जा सकते हैं मार्केट में मगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल कंप्लीट होना जरूरी है ओके डेली टाइम में और इसका उसका नीचे हम स्टॉप लॉस होकर जा सकते हैं मार्केट में पंद्रह मिनट में देखेंगे मार्केट हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं मंडे जैसे ओके अभी मैं जस्ट इधर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड आपको इजीली पता चलता है एंड सपोर्ट लेवल्स कैसा है एंड इधर एग्जैक्टली ए फर्स्ट सपोर्ट आता है एंड नेक्स्ट सपोर्ट आता है ए वाला एंड थर्ड सपोर्ट आता है ऊपर का सॉरी रज लेवल ओके ये सभी एक स्ट्रांग आपके सामने सपोर्ट रहेगा 44,950 का एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा ओके okay, कब तक मार्केट इसके ऊपर है मार्केट uh, अच्छा टिक टाक एक बोली स्टैंड है एंड 45,000 के ऊपर आसपास में हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं इफ़ सपोज ए लेवल ब्रेक किया तो 44,950 या ब्रेक किया तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट रह सकते हमारा 19,000 थाउजेंड वन सेकेंड फोर्टी फोर थाउजेंड सेवन सिक्सटी ओके फोर्टी फोर थाउजेंड सेवन सिक्सटी एक सपोर्ट रहेगा इधर तक भी हम फिर से मार्केट देखने के लिए मिलेगा एंड मार्केट uh, कब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक ओके एंड मार्केट में ये सपोज अप में ओपन हुआ तो वेट कीजिए फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन फिफ्टी के ऊपर एंड फोर्टी uh, के आसपास में मार्केट uh, आया तो उधर से बाइंग हो सकते हैं एंड ये लेवल पे आप बाइंग करना चाहिए किधर भी सेलिंग करने का ना आपको कभी तब सेलिंग करने का 44,760 के नीचे आप एक uh, सेलिंग करके जा सकते हैं क्योंकि ये लेवल बहुत uh, एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा सपोर्ट जोन 44,760 एंड 44,950 का एक जोन रहेगा ये जोन एक सपोर्ट जोन जैसा काम करेगा कहीं भी इस लेवल पे आपको मिलता है ना मार्केट Uh, मतलब मार्केट अब बाइंग करके जाइए ये जोन पे कभी भी ये जोन पे सेलिंग करने का नहीं एंड आपका सेलिंग कब जब रहेगा 44,250 एंड 40 फाइव थाउजेंड लेवल पे आपका सेलिंग रहेगा मतलब इंटराड के लिए बोल रहा हूं मैं सुबह बाइंग करने का लोअर लेवल पे एंड uh, शाम तक मतलब थ्री uh, थर्टी तक आप रेजिंस लेवल पे सेलिंग करके आपका प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं या आप लॉन्ग पोजिशन बना चा, बना चाहते हैं तो आप एक मंथली कॉल ले सकते हैं मंथली कॉल आप एग्जैक्टली uh, exactly एक uh, लोअर लेवल पे ले सकते हैं वो भी फोर्टी फोर थाउजेंड सेवन सिक्सटी फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन फिफ्टी आया तो इधर एक uh, मंथली कॉल भी लेके बैठ सकते हैं बी ट्रेड आप एक लॉन्ग पोजिशन मतलब मंथली एक्सपायरी तक आप वेट करके जा सकते हैं इसमें एंड आप टारगेट एक फोर्टी सिक्स थाउजेंड तक भी हो सकते हैं मार्केट इसमें ओके okay, थोड़े दिन के लिए मार्केट इस साइडवाइज मार्केट बना के बाद में एक ऊपर लेवल पे ब्रेकआउट भी दे सकते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड के ऊपर ओके okay, इसके वजह से आपको वेट करना पड़ेगा एंड मैंने बताया आपको एग्जैक्टली exactly अप में ओपन हुआ था फोर्टी फोर थाउजेंड थ्री सेवेंटी एट एक हर्डल है वो ब्रेक किया तो आपको फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तक भी देखने के लिए मिलता मार्केट में इफ़ सपोज इरेक्शन होता है हम एक सेलिंग करेंगे फिर से हम लो में एक लो का टारगेट रख के उधर प्रॉफिट बुक करेंगे पुट का एंड फिर से इधर से हम लोअर लेवल से कॉल बाय करेंगे ओके okay, मतलब दोनों साइड से पे आपको प्रॉफिट uh, मिलता है एंड एक पुट साइड पे लो लो लगाए तो उधर प्रॉफिट बुक करेंगे और उधर से हम एक सपोर्ट सपोर्ट पे उधर एक बाइंग करेंगे फिर से हम, uh, फिर से हमारा टारगेट रहेगा 45,250 एंड 45,378 तक होगा मार्केट में मगर आपको सेलिंग तब भी करना चाहिए 44,786 के सॉरी 760 के नीचे तब जाते हैं तब आप सेलिंग करके जा सकते स्ट्रॉन्गली ओके ये लेवल से रेट निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डी डी बेल आक आपको नया वीडियो को नोटिशन लगा और लाइक एंड शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप सपोर्ट